हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश ठाकुर आपका हैबिट एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं अभी 15 मार्च को ट्रैफिक मैनेजर का एग्ज़ाम है क्लास 2, और उसमें ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। ये टॉपिक आप जानते हैं कि 20 मार्क्स का ये टॉपिक बताया गया है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आप जानते हैं जैसे सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 हो गया, लेबर लॉ हो गया, और आपका एचपी टिकटलेस ट्रेवल एक्ट हो गया। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि इस लेक्चर से आपको 20 नंबर का एग्जाम में आएगा, लेकिन इतनी कोशिश जरूर करूँगा कि आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाए और थोड़ी बहुत आपको यहाँ से हेल्प मिल जाए। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से मुझे सुनेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट है हमारे पास सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट। तो आप जानते हैं सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988 में लाया गया, और आपको इतना भी पता होगा कि ये एक्ट क्यों लाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं होती है उनको कम करने के लिए ये एक्ट बनाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो है इस एक्ट में संशोधन भी लाया गया, 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। तो उस दौरान ये बहुत चर्चा में भी रहा, क्योंकि जितनी घटनाएं भारत में सड़क दुर्घटना से होती हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर बात करें तो भारत में ही वो दुर्घटनाएं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्ट है ये प्रभावी कब हुआ, ये 1988 में लाया गया और ये प्रभावी हुआ 1 जुलाई 1989 में। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्लेस। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1938 ने इसे रिप्लेस किया, और इसमें अगर हम सेक्शन की बात करें व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन की अगर बात करें 1-2-217 सेक्शन है। और आप जानते हैं कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया। और आप जानते हैं कि ये भारत में लागू कब हुआ, तो ये 1 सितंबर 2019 को भारत में लागू हुआ। और आपको पता होगा कि जो देश में सड़क दुर्घटनाएं होती है उन दुर्घटना को कम करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि देश या अधिनियम, जो देश ये एक्ट लाता है सड़क सुरक्षा सुधार तथा जांच करने के लिए लाता है। ठीक है जी, और आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटनाएं हैं, वो भारत में होती है। ठीक है जी, भारत में होती है। अगर रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात करें हम 2017 की, तो आप जानते हैं कि भारत में हर साल जो है 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, अगर हम 2016 की बात करें, अकॉर्डिंग टू 2016 में सड़क दुर्घटना की बात करें, तो आपको पता है 1,30,000 जो मामले हैं, 1,30,000 मामले जो सामने आए, उनमें से 57% दुर्घटना जो है ओवर स्पीड से हुई है। ठीक है जी, तो इन्हीं दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारत सरकार ने इसमें संशोधन किया, और ये संशोधन कब किया, 2019 में किया गया। और आप जानते हैं इसमें बहुत सारे बदलाव भी लाए गए, जैसे कि पुराने फाइन को लेके उसमें भी कुछ एक बदलाव किए गए। ठीक है जी, जो ओल्ड प्रोविजन पेनल्टी था हमारा, उसमें भी चेंज लाए गए। ठीक है, और आपको पता है कि जो सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मृत्यु की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें जो है यूपी में होती है। ठीक है ना, 1.49 लाख लोग 2018 की रिपोर्ट के अनुसार वहां पे मर गए, किसमें, सड़क दुर्घटना में। ठीक है, और इन्हीं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 लाया और इसमें संशोधन किया। कब किया संशोधन, 2019 में किया। और आप जानते हैं कि ये जो लोकसभा है, लोकसभा ने इसे 23 जुलाई 2019 को पारित किया, और राज्यसभा ने इसे 31 जुलाई 2019 को पारित किया। पहले राज्यसभा इसे मंजूरी देने से इनकार कर रही थी, लेकिन बाद में राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और
उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्जाम में। तो न्यू प्रपोज्ड फाइन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019, जो भी इस संशोधन में बदलाव किए गए, ठीक है, जो ओल्ड प्रोविजन पेनल्टी थी है ना उसमें, और जो न्यू प्रोविजन जो नए फाइन के हमारे लिए जो बनाए गए, तो आप जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 177 की। तो 177 में जनरल वायलेशंस, इसमें जो पुराना फाइन था, ओल्ड प्रोविजन था पेनल्टी का, तो आप जानते हैं 100 रुपये था, ठीक है, और नए प्रोविजन में हम देखें तो आज वर्तमान में 500 रुपये है, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करें तो न्यू 177A, न्यू सेक्शन 177A, इसमें अगर बात करें तो रूल्स ऑफ रोड एंड रेगुलेशंस, तो इसमें ओल्ड प्रोविजन 100 रुपीज फाइन था और अभी वर्तमान में देखें तो इसको बढ़ा के 500 रुपये कर दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट 180 की बात करें तो 180 में अगर देखें अनऑथराइज्ड यूज ऑफ व्हीकल विदाउट लाइसेंस, ठीक है, अगर आप विदाउट आरसी और विदाउट लाइसेंस, बिना ऑथराइज्ड व्हीकल को आप चलाते हैं बिना लाइसेंस से, तो आपको पता है पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग 1000 रुपये फाइन था और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो इसको 5000 रुपये कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 181 सेक्शन की, तो आपको पता है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, अगर आप विदाउट लाइसेंस से ड्राइविंग करते हैं तो इसमें जो पुराना प्रोविजन था तो उस प्रोविजन में फाइन था आपका 500 रुपीज, अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 5000 रुपये ये फाइन बढ़ा के कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 183 सेक्शन 183 की, तो 183 जो है आपका ये है ओवर स्पीड, और इसके लिए जो ओल्ड प्रोविजन था वो था 400 रुपये से, इसको वर्तमान में अगर देखें अभी संशोधन के बाद तो इसे बढ़ा के किया है 1000 रुपीज, किसके लिए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए, अगर 2000, अगर मीडियम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो उनके लिए 2000 रुपये राशि रखी गई है, ठीक है जी। तो आप जानते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 184 की, तो ड्रिंकिंग ड्राइविंग, ठीक है, शराब पी के अगर आप ड्राइव करते हैं तो इसमें पुराना जो प्रोविजन था 2000 रुपये फाइन था, अभी वर्तमान में इसे बढ़ा के 10000 रुपये कर दिया है, ठीक है। तो आप जानते हैं 194 की अगर बात करें तो ओवरलोडिंग, और इसमें जो पुराना प्रोविजन था इसमें 2000 रुपये फाइन एंड 1000 रुपये पर एक्स्ट्रा टन, ठीक है, 2000 रुपये इसमें फाइन रखा गया है और पर टन जो है 1000 रुपये एक्स्ट्रा फाइन रखा है, अभी वर्तमान में बात करें तो 2000 से इसको सीधे 20000 कर दिया है बढ़ा के, और 2000 रुपये पर टन फाइन रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 194A की, तो सेक्शन 194A में ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर है ना, अगर जो पैसेंजर है ओवरलोडिंग है तो आप जानते हैं उनके लिए वर्तमान में जो फाइन का प्रावधान है वो है 1000 पर एक्स्ट्रा पैसेंजर। अगर आप बात करें, आपके पास यदि कोई कार है तो उसमें टैक्सी है मान लो, अगर वहाँ 5 सीट्स के लिए वो अलाउड है, अगर आप उसमें 7 या 8 आदमी 1000 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा फाइन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 194B की, ठीक है, तो 194B जो है ये है सीट बेल्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें जो पुराना प्रोविजन था सीट बेल्ट, विदाउट सीट बेल्ट अगर हम ड्राइव करते हैं तो पुराने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है इसमें 100 रुपीज फाइन, अभी वर्तमान में देखें तो 1000 रुपये फाइन रखा हुआ है। तो ये था हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी बातें।
तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं अभी 15 मार्च को एग्जाम है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इनको भी अच्छे से रिकॉल करते हैं तो आई होप कि एग्जाम में कुछ मदद आपको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लेबर लॉ की। तो लेबर लॉ के बारे में सबसे पहले देखते हैं हम कि इसका उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो आप जानते हैं कि जो औद्योगिकरण है ना, तो आपको पता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। तो इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां पे उद्योगों में जो लोग काम करने के लिए आएंगे, मतलब मजदूर, तो उन लोगों के लिए कुछ एक कानून बनाए गए। ठीक है, और 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये कानून बनाए गए, तो वहीं से इन लेबर लॉ की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो होगी उद्भव के संदर्भ में बात कि उद्भव कहाँ से हुआ है लेबर लॉ के कानूनों का। तो आप जानते हैं इंग्लैंड से इनका उद्भव हुआ। अभी बात करते हैं कि ये लेबर लॉ है क्या। तो ये वो कानून होते हैं जो कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, और अगर नेक्स्ट हम इसमें देखें कि ये लेबर लॉ का जो प्राथमिक काम होता है, लेबर लॉ का प्राथमिक काम क्या होता है, लेबर लॉ का प्राथमिक काम होता है कि सम्मान अवसर प्रदान करना, वेतन सम्मान प्रदान करना, और कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक सुरक्षा उन्हें प्रदान करना, कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो कानून है श्रमिक एवं उद्योगपतियों पर लागू होते हैं। ठीक है, ये जो कानून है ये श्रमिक और उद्योगपतियों पर लागू होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे चले तो आपको पता है कि जो लेबर लॉ है, ये जो लेबर लॉ है इनको दो भागों में बांटा गया है। लेबर लॉ को दो भागों में बांटा गया है। अगर फर्स्ट की बात करें हम, तो आप जानते हैं उद्योग और श्रम संबंधित विधान, उद्योग और श्रम संबंधी विधान। तो इसमें हम देखें तो इसमें वे सभी अधिनियम आते हैं जो कारखानों में श्रमिकों की दशाओं का रेगुलेशन करते हैं। इसमें वे सभी अधिनियम आते हैं जो कारखानों में श्रमिकों, मतलब मजदूरों की दशाओं का रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि इसमें सबसे पहली बात करें तो सर इसमें फर्स्ट आएगा आपका श्रमजीवी क्षतिपूर्ण अधिनियम 1923। दूसरे की बात करें तो भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926। आपसे ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब लाया गया, तो 1926 में लाया गया। श्रमजीवी क्षतिपूर्ण अधिनियम कब लाया गया, तो 1923 में लाया गया। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये किसके एग्जांपल है, तो आप जानते हैं उद्योग और श्रम संबंधित विधान के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करें तो भृति भुगतान एक्ट की, भृति भुगतान अधिनियम की, तो 1936 में ये लाया गया। नेक्स्ट अगर देखें तो औद्योगिक संघर्ष अधिनियम की, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम ये 1947 में लाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कारखाना एक्ट की, तो कारखाना एक्ट कब लाया गया, 1948 में ये एक्ट लाया गया। ठीक है, तो ये तो होगी फर्स्ट भाग की बात। लेबर लॉ को हमने दो भागों में बांटा था, ठीक है, अब दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरे भाग में है आपका सामाजिक सुरक्षा संबंधित विधान, सामाजिक सुरक्षा संबंधित विधान। तो चलिए यहाँ पे इसमें वे सभी अधिनियम आते हैं जिसमें श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक लाभ जैसे कि बीमारी, रोजगार संबंधित आघात तथा न्यूनतम मजदूरी एटसेट्रा शामिल किए गए हैं। ठीक है, बात समझ आ गई कि इसमें क्या है, इसमें वे अधिनियम आते हैं जिसमें जो श्रमिक है काम करने वाले हैं उनके लिए विभिन्न सामाजिक लाभ जैसे कि बीमारी हो गया, रोजगार संबंधित आघात है ना, बीमारी के टाइम में उनको सहायता करना, रोजगार संबंधित आघात और न्यूनतम मजदूरी एटसेट्रा शामिल की गई। इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप जानते हैं भारतीय गोदी श्रमिक एक्ट 1934 आएगा, कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष एक्ट 1947 में, अगर कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट की बात करें तो 1948 में, अगर नेक्स्ट हम देखें न्यूनतम भृति भुगतान एक्ट तो ये कब लाया, 1948 में, और खाद्यान्न एक्ट कब लाया गया, 1952 में।
तो ये हमने देखा किसके संदर्भ में, भाग टू। और भाग टू किसका, लेबर लॉ का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब लाया गया, 1947 में लाया गया। इसकी अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो पहला लेजिस्लेटिव एक्ट 1860 में लाया। इसमें क्या होता था, इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर थी कि वो वेजिस से लेके, जो वेजिस है वेजिस से लेके डिस्प्यूटों को देखें और अदर पब्लिक वर्क्स को भी देखें। ठीक है, किसके पास पावर होती थी, मजिस्ट्रेट के पास पावर होती थी। ठीक है, तो अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई अनुबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या माना जाएगा, कानूनी अपराध माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो इसी में कुछ एक पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो रूल 81A ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1942, रूल्स 81A ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1942, ये विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ एक रूल्स लाए गए जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें बताया गया कि अगर कोई नोटिस नहीं है, अगर कोई लीगल नोटिस नहीं है तो स्ट्राइक नहीं की जा सकती। ठीक है, और दूसरी जो टर्म और कंडीशंस है उनका आपको पालन करना पड़ेगा। और तीसरी जो बात थी इसमें कि श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको आपस में सॉल्व करें। ठीक है, तो ये चीजें बताई गई इसमें, रूल 81A ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1942। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये लागू कब हुआ। तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1947 को, 1 अप्रैल 1947 को ये लागू हुआ। अब बात करते हैं हम रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की। तो आप जानते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, तो ये किसी भी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन में हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन में हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ सर्विसेज की, इन केस सेपरेशन ऑफ सर्विसेज की, तो आप जानते हैं सेक्शन 2 के और 2A के तहत हम वर्कर जो है अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट जो डेफिनेशन की बात करें हम स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक क्या होती है, स्ट्राइक आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी जो मांगे हैं उनको अगर पूरा ना किया जाए तो आप स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक वर्कर या फिर एम्प्लॉइज द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें डेफिनेशन, तो लॉकआउट, लॉकआउट वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैनेजर और एम्प्लॉयर करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कई बार मैनेजर अपने जो एम्प्लॉइज है उनसे संतुष्ट, उनके काम से संतुष्ट नहीं होते तो वो क्या कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं, या फिर जो एम्प्लॉयर है वो खुद रिजाइन दे देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लॉकआउट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डिस्प्यूट की, विवाद की, तो आपको पता है डिस्प्यूट हो सकता है बिटवीन किसके, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के, और दूसरे की अगर बात करें एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज में हो सकता है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में हो सकता है। और ये जो डिस्प्यूट होगा इसके पीछे कोई कारण भी तो होगा, किस बात को लेके, तो आप जानते हैं काम को लेके होगा, या तो फिर वेजेस को लेके होगा, या फिर कंपनसेशन को लेके होगा। ठीक है, तो ये तीन रीजन है डिस्प्यूट की। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक की, तो HP हिमाचल प्रदेश टिकट लेस ट्रेवल एक्ट की। तो आप जानते हैं रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्ट 1976 में लाया गया। ठीक है, और द हिमाचल प्रोविजन ऑफ टिकट लेस ट्रेवल को राष्ट्रपति की जो अनुमति है ये 20 मई 1976 ईस्वी को मिली, और यह HP हिमाचल प्रदेश राजपत्र में 76 को प्रकाशित की गई। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्ट है ये कब लाया गया, 1976 में लाया गया, और द हिमाचल प्रदेश प्रोविजन ऑफ टिकटलेस ट्रेवल को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, तो आपको पता 20 मई 1976 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, और हिमाचल प्रदेश राजपत्र में 2 जून 1976 को इसको प्रकाशित किया गया।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो एचआरटीसी द्वारा अगर कोई विदाउट टिकट ट्रेवल करता है ना, एचआरटीसी द्वारा अगर कोई विदाउट टिकट ट्रेवल करता है तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया, कौन, 1976, जिसको क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश टिकट लेस ट्रेवल एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि इस एक्ट को 27वें गणतंत्र दिवस पर हिमाचल की विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है जी, कौन से गणतंत्र दिवस पर, 27वें गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ टिकट लेस ट्रेवल इन रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्ट 1976 की, जो हमने ऊपर बात की। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ये एक्ट जो है पूरे राज्य में लागू होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये एक्ट जो है पूरे राज्य में, कौन सा, विदाउट टिकट लेस वाला। ठीक है, जो कि कब लाया गया, 1976 में लाया गया, ये पूरे राज्य में लागू होता है। अगर दूसरी हम बात करें तो इससे संबंधित अगर कोई भी सूचना होती है वो हिमाचल सरकार अपने राजपत्र के जरिए जो है जारी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें और देखें तो आप जानते हैं जो एचआरटीसी है ना, एचआरटीसी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है ना, इसकी अगर बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1950 के तहत जो है एचआरटीसी की स्थापना की गई। ठीक है, आप सभी जानते हैं 1950 के तहत जो है एचआरटीसी की स्थापना की गई, और आपको पता है मंडी और कुल्लू परिवहन को मिला के 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी की स्थापना की गई। अगर एक्ट पूछे तो 1950 एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, अगर डेट पूछे तो आपको पता है 2 अक्टूबर 1974 में इसकी स्थापना की गई, किसको मिला के, मंडी और कुल्लू परिवहन को मिला के। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एक पॉइंट है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई ऑफ की ट्रेवल करते हैं बस में या फिर दूर, तो आपको क्या है, टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, या जो कंडक्टर है उसको टिकट देना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोहिबिटेशन अगेंस्ट ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, आपको बिना टिकट यात्रा करना प्रोहिबिटेड है, निषेध है। ठीक है ना, बिना टिकट हम यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो ये एक्ट हमें ये बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस एक्ट में कि प्रेजेंटेशन ऑफ टिकट, हमें अपना टिकट जो है दिखाना जरूरी है, अगर चेकिंग पे आए तो हमें टिकट दिखाना पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि 25 सितंबर 1976 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और एक्ट फोर्स में ये कब आया, ये 29 सितंबर 1976 को ये एक्ट प्रभावी हुआ। ठीक है, कि मतलब कि हमें टिकट दिखाना पड़ेगा, ये 25 सितंबर 1976 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया और ये प्रभावी कब हुआ, 29 सितंबर 1976 को ये प्रभावी हुआ। और आप जानते हैं इस एक्ट के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर टिकट चेकिंग भी की जा सकती है और वो होती भी है, आपको पता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें पनिशमेंट फॉर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट और विद इनसफिशिएंट टिकट और बियॉन्ड ऑथराइज्ड डिस्टेंस, आप जानते हैं फॉर एग्जांपल शिमला से मंडी आना है, तो आपने शिमला से मंडी का टिकट ना लेकर आपने शिमला से नेर चौक का टिकट लिया है। ठीक है, अब आप ट्रेवल कर रहे हैं मंडी, इस दौरान अगर चेकिंग होती है तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एक ऑब्जेक्टिव की, तो आप जानते हैं आपसे अगर सीधे क्वेश्चन पूछे कि एचपी हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन सेवा अधिनियम में टिकट रहित की रोकथाम किस वर्ष लागू की गई, तो आप जानते हैं किस एक्ट के थ्रू, 1976 एक्ट के थ्रू। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश मैंने आपको समझाने की। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, है ना, और मुझे बताएं कि इस वीडियो में जो कमियां थी उनके बारे में आप मुझे बताएं, आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, यही आप लोगों और मेरा जो है साथ है, जो आप अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस वीडियो पे ज़रूर दें, है ना, ताकि मैं भी थोड़ा सा ऊर्जान्वित हूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच हैबिट एजुकेशन पे आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।